जय श्री राम दोस्तों, जय भोलेनाथ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे। अपन लोग भी मस्त हैं। तो आज सबसे पहले आप कमेंट में जय भोलेनाथ लिख दो या जय श्री राम लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस मेरे खातिर, अपने खातिर जय श्री राम, जय भोलेनाथ कुछ भी कमेंट कर दो। बस कमेंट में होना चाहिए या तो जय भोलेनाथ होना चाहिए और या तो जय श्री राम होना चाहिए। फिर से मेरे को एक सूचना मिली कि वहाँ बाघ फिर से दिखाई दे रहा है और एक दो वीडियोस क्लिप आई है मेरे पे जो उन गाँव वालों ने दिए मेरे को कि वहाँ बाघ आया है और बहुत ही भयंकर, मतलब गांव घर के बिल्कुल नज़दीक। जैसे ये सामने मेरा घर है, तो मान के चलो आप यहाँ पे ये वाला घर है ना, जितने सामने इतने ही सामने बाघ दिखा उन्हें और एक धार में भी दिखा, मतलब दो चार बाघ थे। फिर से हमारी यही दरख्वास्त है, प्लीज़ उन बाघों का कुछ करें, क्योंकि बाघ ये वाला आदमखोर हो चुके हैं। इनको पकड़ के आप किसी पार्क में छोड़ दो, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारे नज़दीक पड़ता है, वहीं छोड़ दे या कहीं भी छोड़ दे, बट यहाँ खुला मत रहने दीजिए वरना ये आतंक करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप उन्हें मार दो, मैं ये कहता हूँ कि आप कहीं और छोड़ दो उन्हें। कहीं और छोड़ने का मतलब है किसी पार्क में छोड़ दो, और ताकि वो भी सेफ रहें और हम भी सेफ रहें। मतलब आप जंगली जानवर आपस में कुछ करें, वो अब हम क्या कर सकते, उनके वो तो प्रकृति है, कोई ना कोई किसी ना किसी को तो खाएगा, अब उनकी है ही ऐसी चीज़ें, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। बट हम अपनी सेफ्टी के लिए इतना कर सकते हैं कि उन्हें हम दूसरी जगह छोड़ सकते हैं। अब मैंने कल वीडियो डाली थी, उसमें बताया था कि पानी नहीं आ रहा है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है यहाँ, और अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए नीचे साइड, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है भाई, आज तो बहुत भयंकर गर्मी हो रही है और पानी नहीं आ रहा है, वरना मैं तो यहीं पर नहा जाता, बट अभी अब नीचे जाना पड़ रहा है नहाने के लिए और वहाँ से थोड़ा पानी भी ले आऊँगा। और भाई लोगों ने कहा कि पानी आने वाला है जल्दी, अभी ऊपर चलूँगा, टंकी उनकी साफ भी करनी है, भाई लोग कह रहे हैं, तो टंकी उनकी साफ करेंगे, जो हमारा पीने का पानी आता है उस टंकी को साफ भी करेंगे। A few moments later. चलो भाई, अपनी लोकेशन पे पहुँच चुका हूँ मैं। एक बार मैं शांत होता हूँ और आप आवाज़ सुन रहे हैं, सुन रहे हो एक, मतलब क्या कहते हैं, नदी की हल्की हल्की बहने की आवाज़, तो यहाँ पे आवाज़ आ रही है क्योंकि आजकल यहाँ पे नदी बह रही है और यहाँ पे पानी आ रहा है। और पहले जब मतलब मैं छोटा था ना, तो तब हम यहीं आते थे नहाने के लिए, यहीं आते थे सब कुछ, तो पहले तो यहाँ पे ये टंकी उंकी नहीं थी, यहाँ पे कुछ और था जिसे हम नवल कहते हैं, और यहाँ पे हम एक स्विमिंग पूल टाइप का बनाते थे और यहाँ पे नहाते थे। मतलब बचपन की यादें कुछ ताज़ा हो गई आज, बहुत दिनों बाद यहाँ पे नहाने भी आ रखा हूँ मैं, तो एक अलग ही सुकून मिल रहा है, एक अलग ही याद आ रही है बचपन की, कि बचपन में हम कैसे करा करते थे। बाकी जितने भी मेरे भाई लोग होंगे ना, ये बैला वाले, सब याद कर रहे होंगे कि यहाँ पे हमने कितनी मस्तियाँ की है। मतलब हमारे यहाँ के लड़के खूब मस्ती करते थे, गाय चुगाने जाते थे तो खूब मस्तियाँ की है, यहाँ पे नहाने जाते थे तो खूब मस्तियाँ की है, कहीं भी जाते थे सभी जगह के करते हैं, मेरे गाँव के क्या, सभी गाँव के जहाँ तक मुझे पता है खूब मस्ती करते हैं, बहुत मज़े करते हैं, और मुझे भी कुछ यादें ताज़ा हो गई मेरी, तो मज़ा आ रहा है। बाकी अभी मैं आज तो अकेले हूँ, अकेले नहाता हूँ, फिर देन अभी नहाने के ऊपर चलता हूँ जल्दी से। A few moments later. चलो भाई, अपना कार्यक्रम तो हो चुका है यहाँ से समाप्त, अब निकलते हैं घर की ओर, और पानी भी आ चुका है मैंने जहाँ तक सुना, फिर देन शाम को ही चलेंगे अब यार, दिन मतलब 2-3 बजे चलेंगे पानी की टंकी साफ करने के लिए, 2-3 बजे ही चलेंगे अब। अभी तो बस खाना वाना खाऊँगा मैं, फिर देन देखते हैं क्या होगा अभी, क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इधर उधर काम कर रहा था तो अभी टाइम मिला मेरे को नहाने का, तो नहाया, फिर उसके बाद अब थोड़ा खाना वाना खाएंगे, फिर उसके बाद चलेंगे टंकी साफ करने। भाई बारिश का माहौल बन गया, बहुत तगड़ा वाला सीन हो गया, बारिश आने वाली ऊपर से, और इतनी कड़ाके बारिश आने वाली है ना ऊपर से, जब भी हमारी ऊपर साइड से बारिश आती है ना, तब बारिश रुकती नहीं है, बारिश का रुकने का मतलब ही नहीं बनता 3-4 घंटे से पहले तो, और जब नीचे उधर साइड से आती है ना बारिश, तो एक हद तक मैं मान भी देता हूँ कि 5 मिनट में रुक जाएगी, 20 मिनट में, आधे घंटे में, इतने मिनट में, बट ऊपर से बारिश आई तो पता नहीं कितने घंटे बाद रुकेगी, और अभी टाइम हो रखा है 1 बज रखे हैं, अब देखना मैं आपको टाइम आके बताऊँगा कि कितने बजे तक बारिश एंड होगी। अभी देखो ऊपर हो रही है, अभी नीचे नहीं आई बारिश, हल्की बूंदाबांदी हो रही है अभी, देखो ये देखो हल्की बूंदाबांदी हो रखी है अभी, और अब बारिश आने वाली है इधर नज़दीक, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है बारिश की, तो देखते हैं बारिश कब तक रुकती है, और बहुत भयंकर बारिश आ रही है आज भाई, यहाँ पे हो रही है बारिश इस वाले घर पे ना, वहाँ सामने बारिश हो रही है, और अभी इधर भी आने वाली है बारिश, देखो ऊपर बारिश ही बारिश हो रही है, यहाँ पे भी इतनी बारिश नहीं हो रही जितनी ऊपर हो रही है। बाकी देखो पूरा मौसम बदल गया आज का। 3 hours later. मौसम देखो भाई
क्या धुंध छा रखी है। और अभी जस्ट बारिश रुकी थोड़ी देर पहले और मैं अभी रिखनी खाल की साइड जा रहा हूँ और ये देखो धुंध सी छा रखी है देखो पूरी। और बाकी अभी मैं रिखनी खाल जा रहा हूँ कुछ काम से, मेरा कुछ काम है घर पे, मम्मी ने बोला कि रिखनी खाल से सामान लिया तो देन रिखनी खाल से मेरा घर लगभग 1 किलोमीटर दूर है तो बस पैदल ही निकल जाता हूँ मैं और थोड़ा सामान सामान लाता हूँ फिर देन जल्दी से आपको एक बाजार का थोड़ा व्यू भी दिखा दूंगा कैसा है। इस टाइम वहाँ पे भी भीड़ नहीं होगी, कल की तरह हो रहा है भाई, जैसे मतलब कल कॉलेज में भीड़ नहीं थी इस टाइम रिखनी खाल में भीड़ नहीं होगी क्योंकि आज संडे है, संडे प्लस अभी शाम का टाइम है तो जितने यहाँ के लोग होंगे उतने होंगे, बाकी कोई ही नहीं आया होगा रिखनी खाल। दिन मंडे को होती है भीड़, मंडे ट्यूजडे वेनेसडे 3 दिन इतनी भीड़ होती है ना रिखनी खाल में, चरोड़ हो जान दिमाग खराब हो जान भाई इधर भीड़ है, कोई ना कोई मिल ही जाता है रिखनी खाल में इस टाइम पे, ठीक है कोई नहीं मिलेगा। और बाल बड़े से लग रहे हैं गाइज मेरे को, बहुत दिनों बाद बहुत जल्दी अब बाल भी कटाने वाला हूँ मैं और हमारे बहुत जल्दी एक और टूर बनने वाला है भयंकर वाला, मतलब मजे आने वाले हैं। Moments later. मार्केट से तो सामान लेके आ चुका हूँ मैं और आपको एक बात बताता हूँ, बहुत जल्दी हमारी भयंकर भयंकर ट्रिप होने वाली है उत्तराखंड से रिलेटिव। और अभी एक ट्रिप मतलब ऐसी होगी कि जो मैं जिसमें मेरे साथ लड़के आएंगी और कुछ काम से जा रहा हूँ मैं कहीं, कोई जगह है वहाँ जा रहा हूँ, फिर उसके बाद देन वहीं से एक और भयंकर वाली ट्रिप है जिसमें लौंडे लपाटे आ रहे हैं और बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन पे जाने वाले हम, तो आप इन ट्रिपों को मिस नहीं करना चाहते तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो क्योंकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाएगी। और आप इंस्टाग्राम पे भी नहीं हो मेरे साथ तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है नीरज रावत YT, आप वहाँ जाके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एक दिन पहले ही न्यूज़ मिल जाती है कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, कैसी लोकेशन है और स्टोरी के थ्रू आपको पता लग जाएगा, तो आप जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी भी मेरी फॉलो करो। बाकी भाई सिस्टम हैंग करना है हमें और बहुत ही तगड़ी तगड़ी लोकेशन जाएंगे, बहुत मज़े आने वाले, बहुत तगड़े मज़े आने वाले आपको। और एक कैंपिंग टाइप का भी होगा, मतलब आपको थोड़ी थोड़े हिंट दे रहा हूँ मैं और आप बताओ कमेंट में कि मैं कहाँ जा सकता हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, मतलब थोड़ा बहुत आप आइडिया लगा ही दोगे। बाकी इतना बता सकता हूँ मैं इधर जा रहा हूँ पौड़ी से थोड़ा आगे की साइड, पौड़ी से ये टिहरी से इधर की साइड, मतलब आप बता दो आप कहाँ जा रहा हूँ कमेंट वमेंट कर दो। बाकी आप सोचते रहिए घूमने, बहुत अच्छी लोकेशन जाने वाला हूँ मैं। बाकी मौसम तो ऐसे बदल गया है, देखो बारिश वाला, पूरा बारिश वाला मौसम हो गया है और हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। बाकी अभी लगभग 5:30-6 बज चुके हैं, फिर देन अभी तो कहीं जाके कुछ फ़ायदा नहीं है तो मैं ये करता हूँ थोड़ा पबजी खेलता हूँ लड़कों के साथ टाइम पास करता हूँ। बाकी और क्या करना है यार, देखो इस टाइम तो अब कहीं जाने का मन है नहीं और आपको एक अच्छी अच्छी लोकेशन दिखाता हूँ मैं कल, कल आपको बहुत सारी जगह दिखाऊंगा अपने गांव की, मतलब आपको एंटरटेनमेंट दूंगा कल फुल और गांव के लोगों के साथ बकैतियाँ करूँगा, ऐसा सिस्टम करूँगा कल भयंकर की, मतलब गांव वालों के घर जाऊँगा उनके साथ थोड़ी बकैतियाँ करूँगा, उनके साथ ज़रा वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा, थोड़े जो हमारे गाँव के हैं उनको भी उनके घर वालों को दिखाता हूँ, थोड़ा ये भी करना चाहिए कभी कभार, मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में भी। तो बाकी इस वीडियो को तो यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो के साथ अगले कंटेंट के साथ, आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आया होगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करोगे, तो मिलता हूँ आपको कल 11:30 बजे, बाय बाय।